बीच सोर्सेस एक और बड़ी खबर दे रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट से हुई है मुख्तार अंसारी की मौत। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट से यह खुलासा हो रहा है। आधिकारिक रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार है, फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का औपचारिक रूप से पता चलेगा। लेकिन अनौपचारिक रूप से जो सोर्सेज बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि वहां पर जब पोस्टमार्टम किया गया तो यही पाया गया कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी ने दम तोड़ा है। हालांकि आप जानते हैं कि जब शरीर कोमॉर्बिड होता है उसमें कई सारी बीमारियां पहले से ही होती हैं, तो उसके बाद ये देखा जाता है कि आखिरी वजह मौत की वजह क्या बना, और ऐसे में यही पता चल रहा है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से ही मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। हालांकि उसे हाइपरटेंशन भी था, उसे डायबिटीज भी था, और जाहिर है ऐसे में उसका शरीर कमजोर होता चला जा रहा था और तब कार्डियक अरेस्ट। उसने अपने परिजनों से बातचीत में 27 तारीख को अपने बेटे से और अपनी बड़ी बहू से बातचीत में उसने ये भी कहा है कि मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है और ऐसा लगता है कि अब रूह अलग हो जाएगी, अब यहाँ जब तुम लोग आओगे तो हो सकता है रूह ही मिले, शरीर अलग हो चुका हो। मतलब उसको इस बात का पूर्वाभास था कि वो बहुत कमजोर हो चुका है और अब किसी भी वक्त उसके साथ अनहोनी हो सकती है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पुलिस की हलचल तेज हो गई है। वज्र वाहन के साथ कई सारी पुलिस की गाड़ियां लगी हुई हैं। कुछ ही देर में गाजीपुर रवाना होगा मुख्तार का शव। मुख्तार के शव को ले जाने की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से गाजीपुर जाएगा काफिला, तो बांदा से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए गाजीपुर ले जाया जाना है मुख्तार अंसारी के शव को, और वहां कई गाड़ियां इस काम में लगाई गई हैं। ये पूरा का पूरा करीब 24 गाड़ियों का काफिला है जिसमें बीचों बीच परिवार के लोग और वो एम्बुलेंस होगी जिसमें मुख्तार का शव रखा जाएगा, और आगे पीछे कई गाड़ियां होंगी, ऐसा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि मुख्तार अंसारी के शव को जिस रूट से ले जाया जा रहा है वो रूट कौन सा होगा। बांदा से चित्रकूट के रास्ते प्रयागराज जाया जाएगा और फिर भदोही से होते हुए वाराणसी, और फिर इसके बाद अगला डेस्टिनेशन होगा गाजीपुर। इस तरीके से बांदा से गाजीपुर तक का सफर तय होगा। और इस बीच अगली खबर क्या आ रही है वो अगली खबर भी आपको बता देता हूं। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर का बड़ा बयान आया है सामने, ये स्वाभाविक मौत नहीं है, सुनियोजित हत्या है, उमर ने कहा है। उमर अंसारी की मांग है कि एम्स के डॉक्टर पोस्टमार्टम करें, बांदा की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, उमर ने कहा। एम्स के डॉक्टर पोस्टमार्टम करें, उमर ने यह भी कहा है। उमर का कहना है कि ये प्राकृतिक रूप से कुदरती तरीके से हुई मौत नहीं है, ये सुनियोजित हत्या है। उनकी प्रक्रिया है, हमने तो लिखकर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए, हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है, शक नहीं है, यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। ये स्वाभाविक मौत नहीं है, सुनियोजित हत्या है। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुख्तार अंसारी के गाजीपुर में जो घर है, पैतृक घर, वहां पर मौजूद है विद्यानाथ झा, और इसके अलावा मनीष यादव हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जो कि बांदा से आप तक रिपोर्ट पहुंचाएंगे। बांदा से कुछ ही देर में शव को रवाना किया जाना है, लेकिन देर रात के आसपास अब ये शव वहां पर पहुंचेगा और कल इसको सुपुर्द खाक किया जाएगा। हमारे संवाददाता, दोनों ही संवाददाता आपको नजर आ रहे हैं। पहले अगर मनीष आपको आवाज आ रही है मेरी, तो क्या आप ये जो अभी सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि कार्डियक अरेस्ट ही मौत की वजह बना, क्या डॉक्टर्स इसको आप लोगों को प्रेस को बताएंगे भी पोस्टमार्टम के बाद कि उसकी फाइंडिंग क्या है? देखिए, अभी तक आधिकारिक रूप से पीएम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल पाई है, जो बताया जा रहा था कि दिल का दौरा जब वो टॉयलेट जा रहा था उस वक्त पड़ा, तो उसी की पुष्ट होती हुई यहां पर नजर आ रही है। प्राइमा फेसी डॉक्टर्स को लगा है कि ये अटैक आया, अटैक के बाद मुख्तार अंसारी को जब यहां लाया क्रिटिकल अवस्था में, उसके बाद उसकी मौत हो गई, तो ये अभी जानकारी मिल पाई है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, वो सार्वजनिक की जाएगी, परिवार को भी मुहैया कराई जाएगी, और पूरा जो उसमें कारण है सिलसिलेवार तरीके से मृत्यु के कारण उसमें लिखे जाएंगे। फिलहाल यहां पर अपडेट एक और आया है दिनेश, अब देखिए तैयारियां हो गई हैं, कमोबेश जो कागजी कार्रवाई थी वो पूरी हो गई है, और देखिए सामने गाड़ियां रेडी हैं, पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया, और अब से थोड़ी देर बाद ही काफिला यहां से रवाना होगा। पूरी जो प्रक्रिया हुई, सवेरे जो जानकारी मिल पाई थी कि 10 से लेकर 11 बजे तक सब यहां से रवाना कर दिया जाएगा, पीएम हो जाएगा, लेकिन देरी होने के चलते अब जो है
ये पूरी प्रोसेस खत्म हो पाई है और अब इसके बाद उमर अंसारी निखत परिवार के बाकी जो लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं और एम्बुलेंस में शव लेकर यहां से रवाना होंगे। और अब थोड़ा सा लेट जरूर चीजें हो गई हैं कि देर रात को ये मुख्तार अंसारी की बॉडी उनके जो गृह क्षेत्र है मोहम्मदाबाद वहां पर पहुंचेगी और उसके बाद जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी। तो थोड़ी देर जरूर यहां पर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन बहुत जरूरी है कि कानून व्यवस्था को लेकर कहीं कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि कोई चुनौती कानून व्यवस्था के सामने आए। कानून व्यवस्था वाला एक मसला है और दूसरा इधर हम ये भी सुन रहे हैं मुख्तार अंसारी की मृत्यु को लेकर, उधर आप बता रहे हैं कि सोर्सेस बता रहे हैं कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ, जब वो गुसल के लिए जा रहा था तब उसके उसके उस समय ये कार्डियक अरेस्ट हुआ, लेकिन इधर फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईटी नाउ स्वदेश।